कल के वीकेंड के बारे में सलमान खान द्वारा एल्विश यादव को की गई बैशिंग से पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। इनफैक्ट अगर एल्विश के भाषा में बोले तो पूरा सिस्टम हिल गया है। आपको बता दें कि कल के वीकेंड के बाद सलमान खान के बैशिंग के बाद एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो सलमान खान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, उनसे बदला ले रहे हैं। तो क्या है पूरी डिटेल, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल कल के वीकेंड के बाद में सलमान खान ने ऑलमोस्ट सभी कंटेस्टेंट की जमकर फटकार लगाई, लेकिन ज्यादा क्लास जो ली वो एल्विश यादव के लिए, क्योंकि एल्विश यादव ने कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए थे बेबिका और जिया शंकर को फ्लो में। उन्होंने गुस्से में फ्लो में ऐसा कुछ कह दिया था जिया शंकर को कि वो ऑडियंस को नहीं दिखा सकते थे सेंसर्ड की वजह से। तो सलमान खान एल्विश यादव को, बेबिका को जो एल्विश यादव ने थोड़ी बहुत गाली दी थी और जिया के बारे में अपशब्द कहा था, उन सब बात पे मुद्दे उठाए थे। बस फिर क्या, एक और सलमान खान ने एल्विश को फटकार लगाई, दूसरी ओर फैंस ने जमकर सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट सलमान खान और एल्विश यादव दोनों के फैंस आपस में ही भिड़ गए। साथ ही एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो एल्विश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पे अनब्रेकेबल एल्विश यादव ट्रेंड भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ फैंस का ये भी कहना है कि कल पहली बार एल्विश यादव को यूं इस तरह से इमोशनल होता देख, रोता देख फैंस भी इमोशनल हो गए, फैंस भी रोने लग गए थे। लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान जब भी किसी भी कंटेस्टेंट की फटकार लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए फटकार लगाते हैं, ताकि अगर वो कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से बाहर निकले और भी बेहतर इंसान बनकर बाहर निकले। इतना ही नहीं, कुछ फैंस ने तो सलमान खान को चैलेंज भी कर दिया उनका पावर दिखाने का। तो दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब पे? फ्लो में सलमान खान ने एल्विश यादव को उस गलती का रियलाइज कराया जो कि उसे नहीं पता था उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा। तो सलमान खान सही है या नहीं कमेंट में हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।